नमस्कार, वॉइस ऑफ एशियंस के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज आपको हम ऐसी दो स्टार पर्सनैलिटीज से मिलवाने जा रहे हैं जिनको बॉलीवुड में भी एक अच्छे नाम के साथ जाना जाता है, अच्छी पहचान के साथ जाना जाता है। और ये दोनों हैं पंजाब की कपूर सिस्टर्स, एकता कपूर और रितिका कपूर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए पहले बात करते हैं कि कैसे ये फिल्म इंडस्ट्री में पहुंची और फिर क्या क्या इन्होंने किया और किस तरह से किन किन स्टार्स के साथ इन्होंने काम किया। छोटे पर्दे पे आई, बड़े पर्दे पे आई और फिर आज लाखों लोग पूरे वर्ल्ड में जब भी इनको देखना चाहते हैं सिर्फ गूगल पे टाइप करते हैं एकता कपूर या कपूर सिस्टर्स ऑफ पंजाब, तो ये दोनों का वेरवा सामने आ जाता है। सबसे पहले बात करते हैं एकता जी आपसे, आप बताइए कि कितने साल की उम्र में आप फिल्म इंडस्ट्री में पहुंची और किन किन स्टार्स के साथ आपने काम किया। नमस्कार, मैं जब 6 साल की थी तब से मैंने काम करना शुरू किया था और मेरी पहली मूवी परदेसी थी। इसमें मैंने NRI बच्चों का रोल किया था जी। उस टाइम मेरी उम्र काफ़ी छोटी थी और मेरे लिए सब कुछ नया था एक्सपीरियंस। उसके बाद फिर धीरे धीरे एल्बम्स में काम किया, जो सॉन्ग्स होते हैं वो शूट किए और इसके साथ ही जो दूरदर्शन की मूवीज थी, शॉर्ट मूवीज, वो की थी भुल्ले शाह के साथ, अपने पराए आंखों के सामने, ये दो मूवीज थी मेरी। उसके बाद सॉन्ग किया पंजाबी गुल्ली डंडा और बालिका वधू में जो गहना थी उनके साथ मेरी एक एड शूट थी वीडियो गेम की। तो ऐसे से करते करते काफ़ी मूवीज थी, जोकर मूवी थी अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा की, उसमें भी मेरा रोल था। और एक यारनाल भारा पार्ट 2 युवराज जी के साथ काम किया था। ऐसे ही मुझे आगे काम मिलता रहा। अभी मेरा लास्ट प्रोजेक्ट जाट की जुगनी सोनी चैनल का ये सीरियल है, उसमें फर्स्ट एपिसोड में फर्स्ट स्टोरी मेरी ही थी। कमाल कर दिया, वेरी गुड। तो दर्शकों, इससे पहले हम रितिका कपूर से बात करें, आप देखिए कुछ दृश्य आपको दिखाने जा रहे हैं इनकी फिल्मों के और इनकी स्क्रीन के, तो देखिए। पहुँचते हैं हम रितिका कपूर के साथ। तो रितिका जी, आप बताइए कि कैसे कैसे फिल्म इंडस्ट्री में आपका आना हुआ और क्या क्या काम आपने मेन किए इसमें। जी नमस्ते, मैंने 5 साल की उम्र में शुरुआत की थी, हम दोनों ने इकट्ठे शुरुआत की थी। हमारी सबसे पहली फिल्म थी परदेसी, हम दोनों ने एक साथ काम किया उसमें, पहली फिल्म थी ये। और उसके बाद अम्बरा के तारे, अपने पर आए, ऐसे हमने कई टेलीफिल्म्स की हैं, हम दोनों ने एक साथ टेलीफिल्म्स की हैं। और उसके बाद फिर मैंने बॉलीवुड फिल्म्स, कई एल्बम्स की हैं। बॉलीवुड फिल्म्स में से किस्सा मूवी किया मैंने हॉलीवुड एक्टर इरफान खान जी के साथ, और देसी मुंडे, दिस इज़ अ पंजाबी मूवी, बॉलीवुड मूवी, मैंने इसमें रजा मुराद जी के साथ काम किया। और मैंने कई सॉन्ग्स किए, पंजाबी सॉन्ग्स किए हैं, और एक ऐड किया मैंने बालिका वधू में जो ध्यान, उनके साथ मैंने एक ऐड किया वीडियो गेम की, हम दोनों ने किया। वेरी गुड।
बहुत मुश्किल हुआ होगा आप दोनों को ही कि छोटे होते ही आप फिल्म इंडस्ट्री में आ गए, तो स्टडीज का क्या बना और कैसे चला और कैसे कैसे करते रहे? एकता जी पहले आप बताइए। हमारी एजुकेशन शुरू से लेकर प्लस टू तक आरएस से रही है, वहाँ के बहुत ही अच्छे हमारे प्रिंसिपल हमें मिले हैं एम एन कलरा जी, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, जहाँ हमें जब ज़रूरत पड़ी उन्होंने पूरी सपोर्ट की। बेस्ट स्कूल है पंजाब में, टॉप रहा है, मेरिट्स रही हैं उसकी, हमारे प्रिंसिपल हमेशा ही हमारे साथ रहे हैं, तो स्टडीज़ में कभी भी हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि वो हमारे साथ हमेशा ही थे। अभी आप क्या कर रहे हो? अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ गवर्नमेंट कॉलेज से लुधियाना, बीए सेकंड ईयर। वेरी गुड। और रितिका जी आप कैसी रही स्टडीज और अब क्या कर रही हैं? जी हम दोनों एक ही साथ पढ़े हैं आरएस मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सर बहुत हमें उन्होंने बहुत हेल्प की है, हमें मतलब कोई टेंशन नहीं होती थी, बिना किसी टेंशन के हमने इस फील्ड में भी हमने टॉप मतलब टॉप किया अपनी स्कूल में भी, तो बहुत कोऑपरेटिव है हमारे प्रिंसिपल श्री एम एल कालरा जी, बहुत हेल्प की हमारी। और मैं जी एन ई कॉलेज में पढ़ रही हूँ, अभी इंजीनियरिंग कर रही हूँ फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। वेरी गुड। और मैंने एन सी सी भी रखी हुई है स्कूल कॉलेज में। दैट्स वेरी गुड। तो आमतौर पे ये होता है कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसको पूछते हैं कि बड़ा होके क्या बनेगा, वो कहता हूँ बड़ा होके बहुत बड़ा कोई स्टार बनूंगा। लेकिन आप तो बड़े होने से पहले बचपन में ही एक बड़ी स्टार बन गई, तो कैसा फील होता है आप दोनों को? बहुत प्राउड फील होता है कि मतलब इतनी छोटी उम्र में हम घबराए नहीं, पापा ने हमारा साथ दिया, हमारे साथ हमेशा खड़े हुए, तो वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर डैड। एकता जी ये बताओ कि बड़े घरों में हम देखते हैं जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना तो आपस में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, जिदबाजी होती है, एक ने दूसरे के झुंडे पकड़ दिए, वो खींचना शुरू हो गया, एक के मुक्के लाते चल रही है, तो क्या आप दोनों बहनें कभी लड़ती भी थी बचपन में? जी बिल्कुल, छोटे बच्चों में तो ये होता ही है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें समझदारी आ जाती है, छोटे होते तो लड़ाइयाँ होती ही थी, लेकिन प्यार भी बहुत रहा है हमें, बहने हैं प्यार तो होगा ही, तो ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें। छोटे होते ही हमारे लिए सब कुछ एकदम नया सा एक्सपीरियंस था, हमने मतलब छोटी उम्र में ही बहुत कुछ देख लिया, हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी बड़ा, साथ साथ हमें तजुर्बा हुआ कैसे रहना है कैसे क्या करना है, और इसमें हमारे डैड का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने हमें बहुत एक्सपीरियंस दिया। तो क्या लक्ष्य है आप लोगों का, किस लेवल तक जाना चाहते हो? रितिका जी अब आप बताइए। जी मैं सबसे पहले तो लक्ष्य फिलहाल आर्मी का ही है, अगर मुझे आर्मी में, मैं कहना तो नहीं चाहती बाय चांस आर्मी में मुझे नहीं मिला, मौका नहीं मिला आने का, तो मेरा हमेशा दूसरा एम यही रहेगा फिल्म लाइन का, इसी फील्ड में आना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि आपको मौका नहीं मिलेगा, अगर आपने सोच लिया मंजिल को हासिल करना तो आप भारतीय सेना में ही आप पहुँचेंगे हर हाल में। और आप बताइए। मेरा तो शुरू से यही रहा है मेरा सपना, क्योंकि मेरे अंदर शुरू से ये जुनून था कि मैं आगे बढ़कर एक्ट्रेस बनूं, तो मेरा यही है। तो वॉइस ऑफ एशियंस की तरफ से हम बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं कि आप दोनों अपने अपने मकसद में ज़रूर कामयाब हों, और लुधियाना को, पंजाब को, भारत को हमेशा आप दोनों पर नाज रहेगा कि आपने छोटी सी उम्र में ही बड़े पर्दे पर जाकर बहुत से बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला, धन्यवाद। तो दोस्तों आज हमारे स्टूडियोज में विशेष तौर पर पहुंची थी ये बहुत ही उम्दा, बहुत ही नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल की दोनों ही कलाकार, पंजाब की कपूर सिस्टर्स एकता कपूर और रितिका कपूर। तो आपने देखा इनकी इंटरव्यू को, और जितने भी आज के यंग बच्चे कुछ बढ़ना चाहते हैं आगे, कुछ सीखना चाहते हैं, वो ज़रूर इनको फॉलो करें और इनसे मिलें भी और इनसे कुछ ना कुछ सीखें भी, तो आप भी इस हाइट तक ज़रूर पहुंच पाओगे। फिलहाल बताइएगा कि आपको ये आज की इंटरव्यू कैसी लगी, आप इस पर ज़रूर कमेंट दीजिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मत भूलिएगा, ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।